प्रणिपात दोस्तों, सीएमएस रेडियो में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ वही पुरानी आपकी अपनी प्रियंका। मुझे याद है ग्रेजुएशन के पहले साल में मेरे प्रोफेसर ने एक क्वेश्चन पूछा था पूरी क्लास में, आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हो खुद को। किसी को क्या पता था कि 2020 में कोरोना पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा, वो समय हम स्टूडेंट्स की लाइफ से छीन लेगा जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। कई बार बचकाने मन को तसल्ली देती हूँ कि क्या पता जो बचपन में हमने दुआएं मांगी हो वो भगवान ने एक साथ सुन ली और आज जिंदगी अपना ये रूप दिखा रही है। लेकिन मन में एक सवाल उठता है, समझ नहीं आता किससे पूछूं। किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबा सा ये जहां है, खुशी के पल कहां ढूंढूं बेनिशा सा वक्त भी यहां है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कहीं फासले हैं, पसे जीते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीर जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस और COVID-19 पे, जिसकी वजह से आज हम अपने अपने घरों में हैं या घरों में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। कौन है ये COVID-19? आया कहाँ से है? चाहता क्या है? क्या कोई सबक लेके आया है क्या? आइए ध्यान से सुनते हैं कोरोना की कहानी उसी की जुबानी। मैं कोरोना वायरस, हाँ वही कोरोना वायरस जिसने अदृश्य होते हुए भी पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है। यूं तो मेरी उत्पत्ति चाइना के वुहान शहर से हुई है, लेकिन आज मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ। मुझे ईश्वर का भेजा हुआ संदेश कह सकते हैं या प्रकृति का भेजा हुआ संकेत। तो बस मैं निकल पड़ा हूँ देश दुनिया की सैर पर कुछ सवालों के जवाब लेने और कुछ सबक देने। अब तक मेरे बारे में बहुत जान लिया, बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया, पर अब मेरी भी तो सुनो। माना जूझ रहे हो तुम मेरी वजह से, पर समय के इस फेर का धन्यवाद तो करो। मुझे नहीं पता है मेरा सफर कब तक खत्म होगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम सबको कुछ सबक सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहला, अगर तुम इस विश्व में हो और जब जब तुम पर आफत आएगी तो तुम्हें तुम्हारे ही देश भेजा जाएगा, फिर तुम्हें तुम्हारे शहर भेजा जाएगा और अंत में तुम तुम्हारे घर पर ही राहत की सांस लोगे। ये सबक लो कि मुश्किल पड़ने पर तुम्हें सिर्फ तुम्हारा देश, तुम्हारा शहर, तुम्हारा घर और तुम्हारे माता पिता ही काम आते हैं। इस दौड़ती भागती दुनिया में जब तुम्हारे पास समय का अभाव था या यूं कह लो तुम्हारा आलस्य सर चढ़कर बोल रहा था, तब जान है तो जहान है जैसे कहावत तुम्हें सिर्फ मजाक लगते थे। ये स्वास्थ्य संबंधी दूसरा सबक तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। अब जब घर पे हो तो व्यायाम करना और नशों से दूर रहना तुम्हें बहुत सुकून दे रहा होगा, है ना। तीसरा सबक, ये जो आपदा तुम सब पर मंडरा रही है उसके लिए कहीं ना कहीं तुम मनुष्य ही जिम्मेदार हो। इस प्रकृति का अत्यधिक रूप में अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना अब तुम पर ही भारी पड़ रहा है। समय रहते तुम्हें ये चेतना होगा और प्रकृति को भी खुली हवा में सांस लेने का मौका देना होगा। चौथा सबक, एक तरीके से तुम सब खुशनसीब भी बहुत हो।
इतिहास के पन्नों में इतना लंबा लॉकडाउन पहली बार दर्ज होगा जिसके तुम सब साक्षी हो। जब बच्चों के स्कूल न जाने की दुआएं, कामकाजी पति पत्नी के घर में रहने की दुआएं, बड़े बूढ़ों को वक्त देने की दुआएं और सूखी क्यारियों को पानी मिलने की दुआएं कबूल हो गई हैं, तो क्यों ना तुम भी एकांत में रह के जीवन के मर्म को समझो, अपनी छिपी प्रतिभा को निखारो, नई आदतें डालो जिसे तुम बरसों पहले करने का सोचते थे। तुम ही कहा करते थे ना कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो अब जब जिंदगी मौका दे रही है तो अपने आप को और अपने घर के परिजनों को समय दो ना। कोरोना उर्फ COVID-19 हो, इख्तियार बहुत है मुझ में, पर तुम ये जंग भी भली भांति लड़ रहे हो। लेकिन हंसता हूँ हंसता हूँ ये सोचकर कि तुम तो अपने अपने घरों में महफूज हो। तो क्या मैं अब उन बेघरों और बेसहारों से राब्ता बनाऊं, या उन लोगों के पीछे भागूं जो मीलों पैदल चल दिए हैं अपने अपने घरों की ओर, या जो अपनी गृहस्थी अपने साथ लेकर चलते हैं। मेरे जैसे कितने आएंगे और जाएंगे, पर ये आखिरी सबक तुम लोगों और सरकार को लेना है, ताकि मेरे जैसे और वायरस जब इस पृथ्वी पर आक्रमण करें तो सब एक ही फलक के नीचे डटकर सामना करें। कोरोना ने तो बड़े ही मीठे ढंग से हमें ये बात बता दी, लेकिन क्या सच में ये इतना मीठा है? नहीं, ये बिल्कुल भी मीठा नहीं। अरे, जिसने पूरी दुनिया की काया पलट दी, इतना भयानक है वो, डरावना है, यकीन नहीं होता। खुद सुन लीजिए। मैं कोरोना हूँ। चीन के वुहान शहर से निकलकर करीब 180 देशों तक पहुंच चुका हूँ। मैं खुद भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मुझसे संपर्क में आने वाले लोगों को मैं छोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि शुरू होने की तो ताकत है मुझमें, लेकिन खत्म होने की नहीं। अगर मुझसे अपने आप को बचाना चाहते हैं तो घर में रहिए। हाँ, एक बात और, अब तो आपके ही पड़ोस के लोग मुझे बाहर से गांव गांव मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरे से संपर्क में आने के बाद क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा। अंत में एक बात और बता दूं, इसमें सिर्फ आपकी मौत है, मौत मेरा क्या, जो छुएगा उसी में समा जाऊंगा। पूर अमेरिका, इटली, स्पेन एंड माय फेवरेट चाइना, आप इन सबको देख ही रहे होंगे। तो घर में रहिए, बाहर निकलेंगे तो मरना तय है। या अल्लाह, डर के मारे तो हालत ही खराब हो गई। अब थोड़ा कोरोना का रंग बदलते हैं और ले चलते हैं आपको प्रियंका द्विवेदी और सूरत सरस्वती की कविताओं के बीच, जहाँ दोनों कोरोना की वजह से उत्पन्न हुई एक और मुसीबत पर प्रकाश डालेंगे। दोस्तों, COVID-19 के चलते देशव्यापी लॉकडाउन का सबसे बुरा असर हमारे प्रवासी मजदूरों पर पड़ा है।
हजारों मील पैदल चलकर अपने घर पहुंचने की कोशिश में उन्हें न जाने कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं। उन्हीं की मनोदशा को चार पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की है कि भावनाओं के शहर में लोग बेघर हो गए, भावनाओं के शहर में लोग बेघर हो गए, जिंदगी से इस कदर जूझे कि लोग पत्थर हो गए। सर्प बनकर जो हमेशा विश्व मन करते रहे, एक तख्ती टांग कर वो लोग शंकर हो गए। आत्मा के आईनों पर धूल के मेले लगे, जिंदगी में आजकल इतने बवंडर हो गए। अब किसे अपना कहें, अब किसे अपना कहें, किस द्वार पर आवाज दें, दोस्त रिश्ते फूल सब कांटों के बिस्तर हो गए। स्वप्न जिनकी आंख ने पाले सितारों से अधिक, राजनीति की ताल में वे सारे बंदर हो गए। भावनाओं के शहर में लोग बेघर हो गए, इतना चले पैदल की थककर पटरियों पर सो गए। जिस जिंदगी से जूझते थे उससे विमुखम हो गए। कुंवर नारायण की कविता अब की बार लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा। चेहरे पर लगाए नोकदार मूछे नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूंछे नहीं। जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरेर कर न देखूंगा उन्हें भूखी शेर आंखों से। अब की बार लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा। घर से निकलते, सड़कों पर चलते, बसों पर चढ़ते, ट्रेनें पकड़ते, जगह बेजगह कुचला पड़ा पिद्दी सा जानवर नहीं। अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूंगा। अब की बार लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित को सोचता पूर्णतर लौटूंगा। वाह, क्या खूब कही। इसी बात पे मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पे पगार नहीं पाता है। कभी कभी एक वक्त भूखा रहता है जो आपके लिए आधे घंटे में पिज्जा लाता है, और बारिश में छत टपकती है उसके घर की, जो आपके लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। चलिए माहौल को थोड़ा हल्का बनाते हैं और आगे देखते हैं कि कुछ महिलाएं आपस में क्या बात कर रही हैं। देखेंगे नहीं, सुनेंगे। गुड मॉर्निंग सर, आई हैव सेंड यू द मेल, कैन यू प्लीज चेक इट अप, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले एज आई वाज हैविंग सम इंटरनेट इश्यूज। ओह, अभी मैं अपने बॉस को एक्सप्लेन कर रही थी कि कैसे इस लॉकडाउन में इंटरनेट मेरा साथ नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी आयरनी की बात यह है कि 24 घंटे में से 12 घंटे मुझे इनको यही समझाना पड़ता है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात हुई है कि मेरा पेशेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। अगर अभी मैं ये टॉलरेट कर रही हूँ तो मैं कुछ भी टॉलरेट कर सकती हूँ। और अब तो ये भी नहीं पता चलता कि 9 से 5, 5 से 12 कब बच जा रहे हैं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि मैं 24/7 वाली जॉब कर रही हूँ और सारा कंपनी का काम मुझे ही मिल रहा है। जितना काम मैंने पिछले 10 सालों में नहीं किया होगा, उतना अब काम मुझे 2 महीनों में मिल रहा है। छोड़िए, हटाइए। वैसे आपको पता है, कल संडे था, मुझे नहीं पता चला, क्योंकि हर दिन मेरा ऐसे ही गुजर रहा है। काम भी मुझे करना पड़ रहा है, खाना भी मुझे बनाना पड़ रहा है, झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना पड़ रहा है, और इस लॉकडाउन में कोई दोस्त भी साथ नहीं देता क्योंकि उनका खुद का काम इतना बढ़ गया है। चलिए मैं जाती हूँ, मुझे भूख लगी है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ पार्लर वाली दीदी। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से तो मेरा काम बंद पड़ा है। यहाँ मैं इंतजार कर रही थी कि कब लॉकडाउन खत्म हो, पर मोदी जी एक के बाद एक लॉकडाउन बढ़ाते ही जा रहे हैं। पता नहीं ये कम वक्त कोरोना कहाँ से आकर टपक गया कि मेरी रोजी रोटी ठप पड़ गई।
आजकल तो मेरा पूरा दिन घर के काम में ही बीत जाता है और बचा हुआ टाइम में अपने पति को कस्टमर समझ के मेकअप कर देती हूँ। वो क्या है ना, आदत से थोड़ी मजबूर हूँ, लेकिन मुझे पता है जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं उनकी नीचे जरूर निकल आएंगे और आईब्रो वो तो क्रूर सिंह जैसे हो गए होंगे। उफ़, अब लॉकडाउन के बाद ये सब फसलें जो उगाए जा रहे हो उसे काटने में कितनी मेहनत लगेगी, ये दर्द तो एक पार्लर वाली ही जान पाएगी। खैर, मैं जा रही हूँ हॉट वैक्स तैयार करने, आज ना उनकी वैक्सिंग करूँगी। बाय। नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में जिसका नाम है किम ने खेली गहरी चाल बनाया कोरोना। आइए सीधे रुक करते हैं हमारी संवाददाता की तरफ। उफ, जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ एक जर्नलिस्ट और चाहे पूरी दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, मेरा काम है आप तक खबरें पहुँचाना सही समय पर। लॉकडाउन वैसे तो एक बहुत ही समझदारी वाला कदम है जो की हमारी सरकार ने उठाया है, पर सच कहूं तो बड़ी दिक्कतें हो गई हैं। पूरे दिन कोरोना की अवेयरनेस फैलानी है और अवेयरनेस के नाम पे कोरोना की ही खबरें चलानी है, तो कोरोना ये कोरोना वो, चमगादड़, किम जोंग उन, WHO, अमेरिका, हम लोगों ने हर चीज दिखा दी और जब कुछ नहीं बच जाता तो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम बनाते हैं ऐसी ऊट पटांग खबरें जिससे कि आपके चेहरे पर और कुछ ना सही एक मुस्कान तो जरूर आएगी। पर दिक्कतें केवल यही नहीं है, कई न्यूज चैनल्स में तो डर का भी माहौल है क्योंकि बचाव के इंतजाम तो दूर की बात है, सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का भी पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा, एसेंशियल सर्विसेज के नाम पे काफी बुरे हाल है। सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि जितने भी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर हैं वहाँ एक लिमिटेड अमाउंट में लोगों का आना अलाउड है, पर हमें एसेंशियल सर्विस बोल के हमें रोज ऑफिस आने पे मजबूर किया जाता है। कुछ अच्छे चैनल्स भी हैं जो इन गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, आधे लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया है और आधों से ऑफिस में काम करवा रहे हैं। कई जगह रूल्स की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। एक बड़े चैनल का ऑफिस तो आज संक्रमित भी हो गया। इस सब के बावजूद हम अटल हैं अपने उस संकल्प पर कि आप तक खबरें हमेशा सही टाइम पे पहुंचा ही देंगे। हाय, आई एम तान्या और मैं CMS की एक स्टूडेंट हूँ। अगर इस लॉकडाउन की बात की जाए तो आई एम मिसिंग माई कॉलेज लाइफ की वो मस्ती, वो दोस्तों के साथ बैठ के बस बातें करना, इधर उधर घूमने जाना और फिर फोटोग्राफी की क्लासेस अटेंड करना, चोपड़ा सर की बातें सुनना, सब कुछ मिस कर रहे हैं कॉलेज के वो दिन। और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है, इस सेमेस्टर मैंने सोचा था कि बहुत कुछ होगा, फेयरवेल से लेके ट्रिप से लेके दोस्तों के साथ वो मेमोरीज सब कुछ। आई विश ये लॉकडाउन जल्दी से खुले और हम लोग कॉलेज लाइफ में बैक टू नॉर्मल लाइफ पे आए। जी हमने कहा सलाम प्रणाम, हमको नहीं चिन्ह का, अरे आप ही के घर में 24 घंटे काम करने वाली अबला नारी किस्मत से मारी बोल रहे हैं भैया। लेकिन किस्मत इधर बीच हमारे साथ ही है, इस लॉकडाउन में राहत और कबाहत हमारी को मिली है। राहत ये कि हस्बैंड के टिफिन का टेंशन नहीं, अब बच्चों के स्कूल का टेंशन नहीं, बाजार जाने का टेंशन नहीं, देर से उठो तो कोई चिल्लाहट भी नहीं, बच्चे रोज रोज नई रेसिपी बना के खिला भी रहे हैं उसका भी कोई टेंशन नहीं। कबाहत ये है कि थक गए हैं भैया, थक गए हैं मोबाइल पे बतिया बतिया के। अब पड़ोस की सहेलियां भी बहुत याद आती हैं, शादी ब्याह का बताएं कहां गायब हो गए, अभी आ गए हैं समझ लीजिए। लेकिन दिल खुश हो जाता है जब बच्चे हाथ बटा लेते हैं। आप भी अपने घर में काम कर रही मम्मी का हाथ बटाइए ना, खुशी मिलेगी। सुनी आपने इनकी शिकायतें? शिकायतों का क्रम तो जारी ही रहेगा, लेकिन सुकून के कुछ पल सवारती एक महिला की बात सुनते हैं जो अपने एहसासों को साझा करना चाहती है। चलिए सुनते हैं ज्योति मिश्रा की प्रस्तुति।
मैं मेरे बेटे को रोज वीडियो कॉल करती हूँ, कहता है अम्मा बाहर मत जाइएगा, कोरोना फैला है, मास्क लगाए बिना किसी से भी मत मिलिएगा। न जाने क्यों पर दूर रहकर भी आज सब करीब है। इनकी ड्यूटी के चलते हमको कभी फालूदा खाने का समय नहीं रहता था, आज ऐसा हो गया है कि सुबह की चाय शाम का सनसेट साथ में देखते हैं हम दोनों, बहुत खूबसूरत लगता है इनके साथ। मजबूरी ही कहिए पर आज हम सब घर पर वक्त बिता रहे हैं। शादी के इतने सालों बाद पता चला कि इनका पसंदीदा रंग नीला है। इनको आजकल के गाने नहीं पसंद, ये किशोर कुमार के गाने सुना करते हैं और मैं लता मंगेशकर के। बीते दिन हम पुराने गाने भी सुना करते थे। पहले हमको किचन में सुबह से शाम बीत जाती थी और शाम को जब ये थके हारे आते थे तो बात करने का वक्त ही नहीं होता था। एक टेबल पे हम खाना खाते थे और कोई बात होती नहीं थी और यूं ही सुबह हो जाती थी। लॉकडाउन है, समय थोड़ा मुश्किल है पर परिवार के साथ खूबसूरत लगता है। दोस्तों आज हमने बात की कोरोना वायरस की। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे CMS पर, तो मुस्कुराने के लिए रहिए तैयार। अगर आपका भी सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज से कोई राबता है और आप हमारे साथ कुछ साझा करना चाहते हैं तो हमें मेल करिए cmsradio.up70@gmail.com। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।